जसूर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नूरपुर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष आदर्श शर्मा के नेतृत्व में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज हैप्पी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान गलवान घाटी में भारतीय सेना के शहीद हुए 20 जवानों के साथ हुई बर्बरता के चलते चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया और भारतीय सेना के पक्ष में जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि घाटी में सरहदों की रक्षा करते हुए शहीद हुए सेना के जवानों पर सभी को गर्व है और समूचा भारत शहीदों के परिवारों के साथ है। हमारी संगठन जिला नूरपुर की पूरी युवा मोर्चा की टीम जो लद्दाख में हमारे आर्मी फौजी भाइयों के साथ जो बर्बरता हुई है उसके विरोध में, चाइना सरकार के विरोध में पूरा युवा मोर्चा एकत्रित है और शहीद परिवारों के सम्मान में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और चाइना सरकार के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कि जो उन्होंने बर्बरता दिखाई है, जो हमारे वीर सैनिकों साथ उन्होंने धोखे से किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष अमित जी के आह्वान पर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे हिमाचल प्रदेश के भाजपा के संगठनात्मक जिलों में आज चाइना के खिलाफ ये पुतला जला रहे हैं और चाइना के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हमारे सैनिकों के साथ उन्होंने चोरी से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करके हमारे 20 जवानों को जिनको वीरगति प्राप्त हुई और हमारे सैनिकों ने उनके जो कि वो मीडिया में नहीं बता रहे हैं कम से कम 150 से 200 सैनिक जो है उनका इसमें मरा है। हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे जोश के साथ सेना के सम्मान में खड़ा है। माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सेना को खुला हाथ दिया है कि आगे से कोई भी ऐसा कृत्य करने की अगर चाइना कोशिश करता है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।